बात अगर छोले भटूरे की करी जाए तो सबके दिमाग में सिर्फ नागपाल का ही नाम आता है, लेकिन क्या आपको पता है इसे मेगा किचन में बल्क क्वांटिटी में किस तरह से तैयार किया जाता है। सो चलिए देखते हैं कैसे होने वाले इसकी यूनिक मेकिंग और क्या है इसका टेस्ट। तो यहाँ पे जो छोले हैं उनको 6 घंटे पानी में भिगोया गया है और अब इनको उबाला जा रहा है, इनको 1.5 घंटे तक उबाला जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो जो कढ़ाई है ना, कढ़ाई में भर भर के यहाँ पे तेल डाला जा रहा है। तो भैया यहाँ पे बताइए कि हम क्या करने जा रहे हैं। सर हम ग्रेवी बनाने यार छोले उठ रहे। तो यहाँ पे तेल में देख सकते हो मेथी दाना डाल दिया, और मेथी दाना डालने के बाद यहाँ पे जो अदरक के लच्छे थे वो डाल दिए हैं कढ़ाई में भर के। तो यहाँ पे देख सकते हो इसमें जीरा डालने के लिए जा रहा है। भैया कौन कौन से मसाले डाल रहे हैं इसमें? सर मिर्च मसाले, गरम मसाले डालते हैं, हल्दी डालते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो टमाटर की प्यूरी डालने जा रही है इसमें। कम से कम 2 क्विंटल की छोले की ग्रेवी बन रही है सर। और यहाँ पे इसमें डाला जा रहा है क्रीमी दही ऊपर से। 220 किलो तक ये इस्तेमाल हो सकता है ग्रेवी हमारे। तो भैया क्या ये ग्रेवी बनके रेडी हो गई है? जी हमारी ग्रेवी रेडी हो गए हैं। हम इसमें मसाला डालने जा रहे हैं, ये हमारा अनारदाना है। यहाँ पे देख सकते हो इसमें अनारदाना डाल दिया गया है। ये हमारे गरम मसाले हैं, ये गरम मसाला डाल के 20 आइटम से ये मसाला बनते हैं जड़ी बूटी से। तो यहाँ पे देख सकते हो फेमस नागपाल की जो ग्रेवी थी वो बनके रेडी हो गई है। तो यहाँ पे जो छोले की ग्रेवी रेडी हो गई है उसको अब कंटेनर में डाला जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 100 किलो जो छोले थे ना वो बनके रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो जो छोले हमारे बॉईल हो रखे थे उनको दूसरे कंटेनर पलटा जा रहा है। क्वांटिटी देख सकते हो और छोलों का कलर देख सकते हो वो कितना ज्यादा मजेदार आ गया है। तो भैया कितने किलो की रहते हैं ये? 50 किलो का एक कंटेनर होते हैं। तो यहाँ पे जो उबले हुए छोले हैं उनको एक ट्रे में डाला जा रहा है और यहाँ पे उनको सुखाया जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी छोले थे वो सारे के सारे यहाँ पे पलट दिए गए हैं। देख सकते हो क्वांटिटी बहुत ज्यादा मजेदार है। तो यहाँ पे इनको ठंडा किया जाएगा। इन पे सुखाने के बाद इनमें फिर ग्रेवी डालेंगे, चना मसाला डालेंगे, फिर मिलाएंगे, फिर तैयार होगा ये। हम सर छोले मिलाने जा रहे हैं, हमारे चना मसाले हैं जो हम अपने हाथों से बनाते हैं। इसमें 36 से 35 ये होते हैं मसाले, वो जाके एक होते हैं हमारे चना मसाला बनते हैं। ग्रेवी है सर हमारे। तो भैया क्या ये ग्रेवी आप अंदाजे से मिलाते हो? नहीं सर हमारे नापतोल होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कंटेनर था हमारा उसमे ग्रेवी मिलाई जा रही है। तो ग्रेवी का कलर देख सकते हो बहुत ज्यादा मजेदार है, छोलों में बहुत ही अच्छी तरीके से डाल दिया। अब इसे दोनों हाथों की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से मिलाया जा रहा है। तो जो मिलाने का तरीका है ना वो बहुत ही हाइजेनिक है। यहाँ पे देख सकते हो हाथों में ग्लव्स पहन के उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिलाया जा रहा है। यहाँ पे जो हमारे नागपाल के फेमस छोले थे वो तो बन के रेडी हो गए, और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे भटूरे की मेकिंग। तो यहाँ पे देख सकते हो जो पेड़े हैं वो लगाए जा रहे हैं और उसके अंदर यहाँ पे पनीर की स्टफिंग करी जा रही है। जो क्रश हमारा पनीर था उसको भरा जा रहा है इसके अंदर, और यहाँ पे सारी की सारी जो पेड़ियाँ थी ना उनको हाथों की मदद से बहुत ही अच्छी तरीके से फैला के यहाँ पे गर्मा गर्म तेल में डाला जाएगा। और यहाँ पे हमारे जो नागपाल के फेमस भटूरे हैं वो बनने जा रहे हैं और वो बन के रेडी हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारे भटूरा है वो बन के रेडी हो रहे हैं, और देख सकते हो लग पे लगातार ऑयल डाल के उसको फुलाया जा रहा है। कलर देख सकते हो कितना ज्यादा मजेदार हो गया है। तो यहाँ पे जो फूला फूला भटूरा था हमारा वो बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे जो हमारे छोले थे उसके ऊपर से जो रेडी करी हुई तरी थी ना उसको डाला जा रहा है। छोलों को पहले हम कंटेनर में पलटेंगे, उसके बाद ऊपर से तरी डाली जा रही है। यहाँ पे देख सकते हो जो छोले थे ना हमारे वो बिल्कुल रेडी हो गए, और जो खुशबू आ रही है और जो फ्लेवर दिख रहा है वो बहुत ज्यादा मजेदार दिख रहा है। और यहाँ पे हमारे छोलों के ऊपर लग गया देसी घी का तड़का हुआ। तो यहाँ पे अब इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिलाया जा रहा है। देख सकते हो जो छोले थे वो फाइनल हो चुके हैं, ऊपर से जो क्रस्ट पनीर था वो भी डाला जा रहा है। यहाँ पे जो हमारे फेमस नागपाल के छोले भटूरे थे उसकी प्लेटिंग लगने के लिए जा रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले प्याज आ गया, और ये आ गया मिर्च वाला अचार। तो दूसरा जो हम डालने जा रहे हैं वो हम डालने जा रहे हैं यहाँ पे पिकल, और यहाँ पे आ गया बीच में आ गया ये हमारा मिंट सॉस, हरी वाली चटनी, और ये आ गए छोले जिसकी मेकिंग हमने देखी थी बहुत ज्यादा मजेदार थी। इसको एक छोलों की क्वालिटी देख सकते, देखने मजेदार लग रही है। ऊपर से आ गया इसमें क्रश करा हुआ पनीर, ऊपर से हम एक आलू और रखने वाले हैं इसके, और यहाँ पे आ गया हमारा फूला फूला भटूरा। यार भटूरे का साइज देख के और भटूरे का शेप देख के ना देखते ही खाने का मन कर रहा है इसको। तो यहाँ पे जो प्लेटिंग में भटूरे आने वाले वो दो भटूरे आने वाले हैं। तो छोले भटूरे का नाम सुनकर हमेशा मेरे मुंह में पानी आ जाता है, और यहाँ पे हमारी नागपाल की स्पेशल छोले भटूरे की प्लेटिंग लग के रेडी हो गई। मैं इसे एंजॉय करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और अगर कुछ रहना है तो मैं इतने खाते रहिए।